प्रभु ने एक और मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। पिछले कई हफ्तों से हम प्रभु यीशु के एक अनुयायी के जीवन में उसको जो मूलभूत उपदेश मालूम होने चाहिए, इन उपदेशों का अध्ययन कर रहे थे। ये उपदेश अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन एक या दो क्लास मैं थोड़ा सा आपको व्यावहारिक जीवन की ओर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मूलभूत उपदेश हमको व्यावहारिक जीवन की ओर, प्रैक्टिकल लाइफ की ओर ले जाते हैं, और इस कारण उपदेश और प्रैक्टिकल लाइफ या व्यावहारिक जीवन ये एक दूसरे से बहुत ही अभिन्न तरीके से, अभिन्न मतलब जिनको भिन्न नहीं किया जा सकता, जिनको अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह से जुड़े हुए हैं। उस अध्ययन के लिए मेरा अनुरोध है कि आज पहला पत्रस चौथा अध्याय और उसका 10वां पद खोल लें। ये बाइबल के उत्तरार्ध में, नए नियम में, पेज 327 पर है। पेज 327 खोल लीजिए, पहला पत्रस चौथा अध्याय और उसका 10वां पद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ हम देखते हैं, जिसको जो वरदान मिला है वह प्रभु के, परमेश्वर के विविध प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यहाँ पिछले दिनों अपन उपदेश का जो अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने बहुत सारी बातें देखी। मनुष्य पापी है, पापी अपना बचाव स्वयं नहीं कर सकता, उसको बचाव देने के लिए प्रभु यीशु संसार में पधारे, प्रभु ने सूली पर अपना जीवन दिया, सूली पर जीवन देने के द्वारा प्रभु ने मेरे आपके लिए एक नए जीवन का रास्ता खोल दिया। जो भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है उसको ये नया जीवन मिलता है। जिसको एक बार नया जीवन मिल जाता है वो नया जीवन उसके पास सदा सर्वदा के लिए रहता है, कभी खो नहीं जाएगा। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जब प्रभु हमको एक नया जीवन देते हैं तो प्रभु यीशु की जो धार्मिकता है वो हमको आवरण कर लेती है, और जब धार्मिकता हमको आवरण कर लेती है तो कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर नज़र डालता है तो वो हमको नहीं देखता है, प्रभु यीशु की धार्मिकता देखता है। उसके आधार पर हमने ये भी देखा था कि जिस तरह की हैसियत हमको दी गई है उस प्रकार की ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए। मतलब आपको यदि उठाकर किसी ने राजा बना दिया तो राजा के समान आपका व्यवहार होना चाहिए। ये सारी बातें देखने के बाद आज हमारा जो व्यावहारिक जीवन है उससे संबंधित एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो कि अभी हमने पढ़ा, जिसको जो वरदान मिला है। ये वरदान क्या चीज़ है, ये आज मेरा सवाल है। किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है? प्रभु के वचन में आत्मिक वरदानों के बारे में कम से कम 4 जगह हम पढ़ते हैं, जिसमें से एक उद्धरण मैंने आपके सामने रखा है। एक्चुअली 4 जगह हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 में देखते हैं, रोमियों की पत्री 12 में देखते हैं, उसके बाद पहला कुरिन्थियों 12 में देखते हैं, फिर इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में देखते हैं, और उसके बाद पहला पत्रस 4 में देखते हैं। इस तरह से 4 अलग अलग जगह हम देखते हैं। इसके अलावा जब प्रभु यीशु अपने सेवा काल का उनका समय था 3.5 साल, इस 3.5 साल उन्होंने बार बार एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु से जो दिया जाता है उसके बारे में चर्चा की है। आपको यदि याद हो, याद होना चाहिए, प्रभु ने एक से ज़्यादा बार ये बात कही थी। एक स्वामी थे
दूर देश को जाने वाले थे, जाने से पहले उन्होंने कुछ दासों को बुलाया, उसमें से हर दास को उसकी योग्यता के अनुसार कुछ संपत्ति दी। कुछ संपत्ति दी मैं कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि 8-10 रुपए दे दिए। प्रभु का वचन ये बताता है कि उनको बहुत बड़ी राशि दी गई और प्रभु ने ये कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक इससे व्यापार करना, लेन देन करते रहना, जिससे कि इससे फायदा हो। कहने का मतलब ये कि मैंने तुम्हारी योग्यता के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार तुमको संपत्ति दी है जो तुम्हारी पहुंच के बाहर है, जो तुम्हारी योग्यता से एक्चुअली बाहर है। तुम जिंदगी भर मेहनत करो तो भी इतनी संपत्ति नहीं कमा सकते। ये मैंने तुमको पूंजी के रूप में दिया है, अब इस पूंजी का उपयोग तब तक करना है जब तक मैं वापस ना आऊं। ये है वो पृष्ठभूमि जिसके आधार पर हम आत्मिक वरदानों को समझते हैं। इस घटना में वो जो स्वामी है वो प्रभु यीशु को प्रदर्शित करता है। प्रभु संसार में पधारे, उन्होंने 33.5 साल जीवन बिताया, जिसमें आखिरी 3.5 साल सेवा कार्य था। वो सेवा काल में उन्होंने 12 शिष्यों को चुना, उसके अलावा 70 और शिष्यों को चुना, उसके अलावा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने आप को प्रभु की सेवा से जोड़ लिया था और प्रभु जहाँ भी जाते थे वे लोग प्रभु के साथ जाते थे। और इन सब के बाद हजारों लोग थे जो प्रभु की शिक्षा सुनने के लिए प्रभु के आसपास एकत्रित होते थे। प्रभु के कहने का मतलब था कि देखो अब मैं जा रहा हूँ। इस घटना में प्रभु ने जिस स्वामी का उदाहरण दिया है, स्वामी ने अपने दासों को बुलाया, वो स्वामी स्वयं प्रभु यीशु को प्रदर्शित करते हैं। दासों को बुलाकर स्वामी ने अपनी हैसियत के हिसाब से उनको पूंजी दी, जिसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु ने अपने बच्चों को जो पूंजी दी है वो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है। उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है, बल्कि प्रभु का जो धन है उस हिसाब से प्रभु ने हमको दिया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया कि हर दास को उसकी योग्यता के अनुसार दिए। इसका मतलब यह है कि प्रभु ने अपने असीमित धन से जब दासों को असीमित पूंजी दी तो जो दास अधिक योग्य था उसको अधिक पूंजी दी और जो दास उतना योग्य नहीं था उसको कम पूंजी दी। लेकिन इसके बावजूद वो पूंजी इतनी अधिक थी कि वो दास जिंदगी में कभी उतनी पूंजी नहीं कमा सकता था। इसके बाद स्वामी ने आज्ञा दी कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम इसका विनिमय करो। विनिमय करो का मतलब क्या है? लेन देन करो। इस पैसे का इस तरह से उपयोग करो कि तुमको फायदा हो, क्योंकि वापस आने के बाद मैं तुमसे हिसाब मांगूंगा। इस पृष्ठभूमि में जब आज जो पद हमने पढ़ा है उसको हम पढ़ते हैं, तब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु ने हमको ये जो नया जीवन दिया है, जो आप में से कई लोगों ने पाया है, उस नए जीवन को पाते समय प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति को वरदान दिया है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि जिस जिस को वरदान मिला है, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मैं खास याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में कोई भी शब्द बेकार नहीं होता। हर शब्द वहाँ पर प्रभु के पवित्र आत्मा की इच्छा से आया है। तो यहाँ ये नहीं लिखा है जिसको वरदान मिला है, नहीं, ध्यान से देखिए, पवित्र शास्त्र में लिखा है जिसको जो वरदान मिला है। इसका मतलब यह है कि हम में से हर व्यक्ति को वरदान मिला है और हम में से हर व्यक्ति को ये देखना है कि हमको कौन सा वरदान मिला है। आज इस सत्संग में जितने लोग एकत्रित हुए हैं उनमें मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे प्रभु ने टीचिंग, शिक्षा देने का वरदान दिया है। हम में से हर व्यक्ति खड़े होकर 4 शब्द बोल सकता है,
लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि इस सत्संग में बोलने वाला कोई और होता है, सारे प्रोग्राम को नियंत्रित करने वाला कोई और है, अगुवाई करने वाला कोई और है और गाने वाला कोई और है। मैं सामान्यतया अगुवाई नहीं करता, ये बात आप जानते हैं। अगुवाई की जिम्मेदारी भाई जेफरी की है, कर्ता धर्ता वे हैं। जब वे नहीं होते सिर्फ तभी मैं मजबूरी में खड़े होकर अगुवाई करता हूँ। क्यों? यहाँ हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं। बिल्कुल इसी तरह से हर व्यक्ति को अलग अलग आत्मिक वरदान प्रभु ने बांटा है और उस वरदान के अनुसार इस मंडली में कार्य होता है। जिसको जो वरदान मिला है उस हिसाब से वो कार्य करता है। मैंने कभी भी आपके सामने खड़े होकर गाने की कोशिश नहीं की। क्यों? इसलिए कि भाई जेफरी की सारी मेहनत पर 5 मिनट में पानी फिर जाएगा। आप सब यहाँ से ऐसे भागेंगे जैसे कि बिल्डिंग की छत गिरने वाली हो। प्रभु ने हरेक को अलग अलग वरदान दिया है, हरेक को अलग अलग बात के लिए बुलाया है और हरेक को अलग अलग बात के लिए बुलाया है। तो प्रभु का वचन ये कहता है जिस जिस को जो वरदान मिला है उस वरदान का उपयोग वह करे। कैसे करे ये भी दिया हुआ है। लेकिन इसके पहले मैं एक बात फिर से याद दिलाऊं, आत्मिक जीवन में ना केवल बहुत ही मूलभूत फंडामेंटल उपदेश हैं, आत्मिक जीवन हमसे ये भी उम्मीद करता है कि हम में से हर व्यक्ति प्रभु ने हमको जो दिया है उस हिसाब से चले, उस हिसाब से व्यवहार करे, उस हिसाब से हम अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करें। यह है इसका मतलब। जिस जिस को जो वरदान मिला है वो उसे प्रभु के विभिन्न प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान उसका उपयोग करें। ये आज प्रभु की वाणी यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं इनमें बहुत सारे लोग उत्तर भारतीय स्टेट्स में से आए हैं और इस कारण भंडारी शब्द बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमारा इलाका है वहाँ जो सेठ होता है, नगर सेठ या करोड़पति, वो खुद आके बिजनेस नहीं चलाता है। सबके ऊपर लगाम उसकी होती है, नाम उसका होता है, फ़ायदा उसको मिलता है, लेकिन उसका धंधा कौन चलाता है? मुनीम। मुनीम आता है सुबह सुबह, आके सारे नौकरों को आदेश देता है और इधर किसी की खिंचाई करता है, उधर किसी को डांट लगाता है, किसी से उसने जो पैसे लिए वो ले लेता है, हिसाब नोट करता है। उसी मुनीम का एक और नाम है भंडारी, उसको आधुनिक भाषा में मैनेजर कहा जाता है। मैनेजर का मतलब है वो व्यक्ति जो मैनेज करता है, मतलब वो व्यक्ति जो हर चीज को चलाता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति जो हर चीज का मालिक है, नहीं नहीं, वो हर चीज का मालिक नहीं है, वो हर चीज को चलाता है। प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति को भंडारी बनाया है, प्रभु ने मैनेजर बनाया है, मुनीम बनाया, मालिक नहीं बनाया। मालिक तो स्वयं मालिक है और इसीलिए तो स्वामी ने जाते समय कहा था कि रखो, विनिमय करो और मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। और प्रभु ने जितनी घटनाएं सुनाई थी उसमें से हर घटना में स्वामी ने आके हिसाब मांगा। स्वामी अलग, भंडारी अलग। इस बात को हम समझें, क्यों समझे, इसके पीछे भी कारण है, वो आगे हम देखेंगे। तो प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति को भंडारी बनाया है। काहे का भंडारी बनाया है? पहला कुरिन्थियों 12 में इसका डिटेल दिया हुआ है। जब आपको समय मिले तो पहला कुरिन्थियों 12 खोलकर इसका जो डिटेल है इसका विस्तार जरा देख लें, वहाँ हम देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी आगे हम इसका डिटेल देखते हैं, अगले पद में इसका डिटेल है। देखिए 11वें पद में हम देखते हैं, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो प्रभु का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो प्रभु देते हैं। मतलब प्रभु ने इवन हमको बोलने के लिए जो वाणी दी है उसका उपयोग हम इस तरह से करें कि सुनने वाले को लगे कि यह प्रभु की वाणी है। आज जरा एक क्षण के लिए
हम अपने जीवन को मुड़कर देखें। मैं और आप अलग 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 जगह काम करते हैं, जहां आप पढ़ते हैं, जहां आप काम करते हैं, जिस पड़ोस में आप रहते हैं, आपके जो चार दोस्त हैं, जब ये लोग आपको बोलते हुए सुनते हैं, तो क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये है तो अपने ही बीच में एक, लेकिन ये इस तरह से बोलता है जैसे कि प्रभु की वाणी हमको सुना रहा है, ये संभव है क्या? जी हाँ, मैं अपने जान पहचान के लोगों में 50 ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके बारे में लोगों का कहना है अरे वो बोलता है या वो बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रभु की वाणी हम सुन रहे हों। मैंने ऐसे अफसर देखे हैं, ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर बैठे अफसर जो लोगों को डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं, सजा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके नीचे जो काम करते हैं वो कहते हैं कि अच्छा वो भाई साहब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रभु की वाणी सुन रहे हों। वहाँ से लेकर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी ना तो बहुत पहुँच है, जो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना ही बहुत बड़ी नौकरी है, वो भी बोलते हैं तो उनके साथ के लोग कहते हैं कि अच्छा वो बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रभु की वाणी हम सुन रहे हैं। इस बात को हम याद रखें कि प्रभु ने हमको जो वरदान दिया है वो हमारा उपयोग अपने लक्ष्य के लिए करने के लिए है। इसका आपकी नौकरी से कुछ लेना देना नहीं है, आपकी पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, आपकी बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं है। बुद्धि कम हो तो भी आपको वरदान दिया जाता है, पढ़ाई ज़्यादा हो तो भी दिया जाता है, लेकिन जिसकी पढ़ाई कम है वो ये ना कहे कि मुझे प्रभु ने कुछ नहीं दिया। यहाँ लिखा है जिस जिसको जो मिला है, जिसको लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ वो ये ना सोचे कि प्रभु ने मुझे कोई बुद्धि नहीं दी, हर व्यक्ति को, या मुझे कोई आत्मिक वरदान नहीं दिया। प्रभु ने हर व्यक्ति को आत्मिक वरदान दिया है। आज से लगभग 24 साल पहले जब मैं एक किताब की रचना कर रहा था, हम चार लोगों ने मिलकर 800 पन्ने के किताब की रचना की, जो मेरी जिंदगी में पहली बार था इतनी बड़ी पुस्तक की रचना। हम लोगों ने इसको, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा था, बाइबल कॉलेज में, वहाँ हमने अनाउंस किया कि हम किताब लिखने जा रहे हैं और हमको सहयोग की ज़रूरत है। एक शाम को चार विद्यार्थी हमारे पास आए, बोले कि सर ना तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना ही बुद्धिमान हैं, ना ही हमसे ये किताबें लिखी जाएंगी, लेकिन सर हम एक काम कर सकते हैं, हमारा अक्षर अच्छा है और इसलिए आप लोग जो लिखेंगे उसमें काट पीट करेंगे वो सब हमको दे दीजिए, हम उसको बहुत ही सुंदर साफ आकर्षक अक्षरों में लिखेंगे। प्रभु की दया से 9 महीने में हमने बहुत ही मोटे एक पुस्तक की रचना की, जो एक पाठ्य पुस्तक है। हम लेखक नहीं होते तो उस किताब की रचना नहीं हो पाती, लेकिन आपको क्या लगता है कि यदि ये भाई लोग मदद के लिए नहीं मिले होते तो क्या होता? हम उसको 3 या 4 साल में भी नहीं लिख पाते। क्यों? इसलिए कि पुस्तक को लिखना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है काट पीट के बाद उसको बहुत ही एक्यूरेटली कॉपी करना, लेकिन जब तक उसके लिए समर्पित व्यक्ति वो कार्य ना करे वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए था, मेरी आँखें खुल गईं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसमें हर व्यक्ति की ज़रूरत होती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको ऐसा लगता है क्या कि देखिए वो शास्त्री सर खड़े होकर संदेश देते हैं मुझे प्रभु ने ऐसी योग्यता नहीं दी है, भाई बाबू और भाई मैथ्यूज़ वगैरह भाई बेबी खड़े होकर गाना गाते हैं मुझे प्रभु ने योग्यता नहीं दी है, ये बच्चे यहाँ खड़े होकर बाकायदा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं मुझे
उसकी योग्यता नहीं दी है, इस कारण प्रभु ने मुझे बिल्कुल टाल दिया है, मुझे बिल्कुल बाहर फेंक दिया है, ये आपकी गलत फहमी है। ये एक परिवार है, ये एक टीम है, ये एक शरीर है, प्रभु यीशु का शरीर है। इस परिवार में हर व्यक्ति की जरूरत है, इस परिवार में हर व्यक्ति का योगदान है। और इस परिवार में जब तक हर व्यक्ति अपना कार्य ना करे तब तक परिवार का कार्य नहीं चल सकता है। पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, पांच उंगलियों में से यदि अंगूठा नहीं हो तो अपन जानते हैं कितनी परेशानी होती है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है क्या, सबसे छोटी उंगली जो सबसे कमजोर होती है, आप जरा उसको हटा के बाकी सारा कार्य चार उंगलियों से एक बार करके देखिए, तब मजा समझ में आएगा। आज रात को घर जाके जब आप लिखने की कोशिश करें तो पेन पकड़ें और इस उंगली को यूँ पकड़ के लिखिए, चपाती खाएं तो इस उंगली को यूँ कीजिए और चपाती खाइए, सारा काम करके देखिए, तब पता चलेगा कि उस छोटी उंगली को, जिसको हम कहते ही है छोटी उंगली, उस छोटी उंगली के बिना हाथ के उपयोग में वो सुविधा नहीं रह जाती जो पांचों उंगलियों के होते हुए रहती है। ऐसा ही है हमारा पारिवारिक जीवन इस विशाल परिवार में, इस मसीही परिवार में, इस सत्संग में। हर व्यक्ति को प्रभु ने कम से कम एक वरदान दिया है और प्रभु चाहते हैं कि उस वरदान का उपयोग आप नियमित रूप से करें। उसका उदाहरण दिया है, कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे प्रभु का वचन है। ऐसा कभी आपने सोचा है क्या, आप जब किसी से बोलते हैं तो आप बोलने के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, किस प्रकार के टोन का उपयोग करते हैं, सामने वाले को उत्साह देते हुए बोलते हैं या उसको निराश करते हुए बोलते हैं। एक ही बात को दो तरीके से बोला जा सकता है। मान लीजिए कहीं जाना है और आपका साथी हमेशा ही देर करता है तो उससे यूं भी बोला जा सकता है, अरे तू तो बेकार है, तेरे कारण मेरी जिंदगी नरक है, तेरे कारण जब भी मैं पहुंचता हूं जाता हूं लेट हो जाता हूं, इस बार भी बस मिस हो जाए तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। इसी बात को आप यूं भी बोल सकते हैं, छोटे भैया याद है पिछले दो बार तुम्हारे कारण बस मिस हो गई, अच्छा सा चांस रह गया, एक काम करते हैं इस बार अपन आध घंटे पहले चलते हैं, तुम उस हिसाब से तैयारी कर लो, तो छोटे को भी अच्छा लगेगा और इस बार वो उत्साह के साथ शायद तैयारी भी करेगा। एक ही बात को बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि हमको जो वरदान दिया है, चाहे बोल रहे हों चाहे कुछ भी कर रहे हों, उसके खास तरीके से करें। एक, कोई बोले तो ऐसा बोले मानो प्रभु का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो प्रभु देते हैं। सेवा करे का मतलब क्या है, मान लीजिए कि इस सत्संग में आप वो पहले व्यक्ति हैं जो हॉल में आते हैं, हॉल में आए तो पता चला सारी कुर्सियां एक कोने में रखी हुई हैं और सुबह के सत्संग के बाद जो गया पता नहीं किस बच्चे ने झाड़ू लगाया, उधर कचरा है इधर कचरा है वहां कचरा पड़ा हुआ है, क्या करें, पैर से ये कचरा उधर हटा दिए, ये कचरा उधर हटा दिया, कुर्सी उठा के जैसे तैसे डाल दिए, बैठना ही तो है। ये सोचने का एक तरीका हुआ। सोचने का दूसरा तरीका, अरे ये प्रभु का सत्संग है, आज तो अनहोनी हो गई, मतलब हर बार सत्संग में आते हैं तो ये हॉल तो एकदम साफ सुथरा रहता है और जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, आज क्यों ये गंदा है। फुर्ती से गए, दौड़ के झाड़ू लाए और पाँच मिनट में हॉल को ऐसा साफ कर दिया कि जब ये बनाया गया था तब भी इतना नहीं चमकता था। क्यों किया हमने, इसलिए कि हमारे मन में ये भावना है कि यहाँ प्रभु की उपस्थिति है,
लोग आकर प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, और यदि मैं लोगों को आकर प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए तैयारी कर रहा हूं तो इस तरह से करूं जो परमेश्वर की शक्ति से है, उस शक्ति से करे जो प्रभु देते हैं। उसके बाद कुर्सी जमाएं तो इस तरह से जमाएं कि एक मिलीमीटर इधर से उधर करने की गुंजाइश ना रहे। लोग भी कहें कि आज क्या बात है, कुर्सियां पता नहीं किसने जमाई है, देखते ही मजा आ गया। हो सकता है क्या? हम में से हर व्यक्ति से हो सकता है। हर व्यक्ति को प्रभु ने किसी न किसी कार्य के लिए बुलाया है। तो आत्मिक वरदानों के बारे में हमने अभी तक जो देखा उसका सारांश यह है, जिस क्षण हमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया उस क्षण प्रभु ने हमको ना केवल उद्धार दिया, ना केवल मुक्ति दी, ना केवल शाश्वत जीवन दिया, बल्कि हमको कोई ना कोई आत्मिक वरदान भी दिया। दिया हमारी योग्यता के अनुसार, लेकिन इसके बावजूद वो पूंजी, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ने दी है, तो उस पूंजी की मात्रा इतनी है कि वो हमारी सामर्थ्य के बाहर है। अब मैं उसका उपयोग नियमित रूप से करूं। इसीलिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि अच्छे भंडारी के समान उपयोग करना है। अच्छे भंडारी का मतलब क्या है? मुनीम चाहे तो मालिक के लिए धंधा करते समय थोड़ा बहुत धोखा भी कर सकता है, जिससे वो लेता है उससे कहे कि भैया देखो आइंदा हम तुमसे नहीं उससे लेंगे, क्योंकि वो तो 10% हमारी जेब में डालने को तैयार है। कई मुनीम लोग करते हैं, लेकिन ये जो इस तरह की जो धोखे की कमाई है उसके बारे में कहा जाता है कि धोखे की कमाई वो तो लूट जाती है। एक बीमारी नहीं हुई कि वो धोखे की सारी कमाई लीक होकर चली गई। दूसरी बात यहाँ हमको याद रखना चाहिए कि हम इस संसार के मुनीम नहीं हैं, इस संसार के सृष्टा सृजनहार प्रभु के मैनेजर हैं, मुनीम हैं। उस सृष्टा से छुपा कर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम में से हर व्यक्ति जब अपने वरदान का उपयोग करता है तब उसका उपयोग स्वार्थ के लिए भी कर सकता है। हर व्यक्ति इस बात को सोच ले, स्वार्थ के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है, और कई बार लोग स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं। आज से कुछ साल पहले मेरे एक चाचा जान थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों बे तू विद्यार्थियों के बीच में जाके कॉलेज में प्रचार करता है, वो कुछ है तुमको कुछ नामा पैसा देते हैं क्या? मैंने कहा कि विद्यार्थी हैं चाचा जान, वो क्या पैसा दें। अरे तो तू काहे को इतना परेशान हो रहा है? सी सोचने का एक तरीका, यदि वो मुझे पैसा देंगे तो मैं जाऊंगा प्रचार करूंगा। हम में से हर व्यक्ति को प्रभु ने जो आत्मिक वरदान दिया है उसका एक स्वार्थी पहलू है और उसका एक बिना स्वार्थ का पहलू है। प्रभु का वचन कहता है कि भले भंडारी के समान हम उसका उपयोग करें, जिसका मतलब है कि एक स्वार्थी भंडारी के रूप में उसका उपयोग ना करें। ठीक है, उसके एक कारण है, आगे उसका कारण दिया है, जिससे सब बातों में प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मुझे और आपको जीवन इस तरह से बिताना चाहिए, जीना चाहिए, आत्मिक वरदानों का उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि प्रभु के नाम की महिमा हो। जब एक मुनीम अपने मालिक का धंधा सर्वोत्तम तरीके से करता है तो नाम मालिक का होता है। आप कहेंगे काहे क्या, काहे के लिए करें? जरा रुकिए, काहे के लिए करें या आगे हम देखेंगे। लेकिन जब इस संसार के सृष्टा ने हमको जिम्मेदारी दी है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम विश्वास योग्यता से अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करें। अब प्रभु ने इसके बारे में जो दृष्टांत दिए थे उन दृष्टांतों को मैं जरा याद दिलाना चाहता हूँ। आज हम उन भागों को खोलेंगे नहीं, याद दिला दूँ। एक आया, स्वामी वापस आए, दासों से हिसाब मांगा है। एक आया, उसने कहा मालिक आपने मुझे 10 दिए थे, मतलब चांदी की 10 ईंटें दी थी,
मैंने 10 और कमाया है। स्वामी प्रसन्न हो गए। स्वामी ने कहा, मेरी संपत्ति के हिसाब से मैंने तुमको जो दिया वो तुम्हारी नज़र में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत छोटी चीज़ है। मैंने छोटी सी चीज़ तुम्हारे हाथ में दी, तुम उसमें विश्वस्त रहे, और इस कारण अब मैं तुमको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ठहरा दूंगा। यह है प्रभु का वचन। दूसरा आया, उसने कहा, मालिक मैं उतना तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने 5 और कमाए हैं। प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। प्रभु ने कहा, तू विश्वस्त रहा, मैं इसका फल तुमको दूंगा। आखिर में एक आया, आंखें चढ़ाते हुए मालिक को आंखें दिखाते हुए बोला, मालिक आप एक विचित्र प्रकार के जीव हैं। आप जहां खेती नहीं करते वहां से काट लेते हैं, आप जहां बोते नहीं वहां से काट लेते हैं, और इस कारण मैंने आपने जो दिया था उसको ले जाके गाड़ के रखा है। ये धरा आपका माल और ये है आपके चांदी की ईंट। मालिक ने वहां पर 2-3 बातें कही। पहली बात, अरे दुष्ट दास, यदि तुझे मालूम था कि मैं जहां नहीं बोता वहां से काटता हूं, तो कम से कम ये चांदी की एक जो ईंट है ये सराफों को दे देता। एक्चुअली प्रभु यीशु जब से उनके प्रभु यीशु का जो सेवा काल था, उस समय भी बैंक होते थे, आज के समान नहीं। उस समय जो सोने चांदी का व्यवहार जो व्यापार करते थे, आप उनके पास दे सकते थे और वो उसे इधर उधर उधार देके उसका ब्याज लेके आपको आपकी ईंट या आपकी चांदी या आपका सोना ब्याज के साथ वापस कर देते थे। आज का जो बैंकिंग सिस्टम है ऐसे ही चालू हुआ। प्रभु ने कहा, जब तुमको मालूम है कि मैंने जो नहीं बोया वो काटता हूं, तो दे क्यों नहीं दिया? इसके पीछे एक रहस्य है, और वो रहस्य ये है कि यदि प्रभु यीशु के जमाने में दास यदि पैसा किसी सर्राफ को देता था, तो सर्राफ का पहला प्रश्न होता था, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम बताता। अच्छा ठीक है, क्या करते हो? फलाने व्यक्ति का गुलाम हूँ। अच्छा, फलाने व्यक्ति के गुलाम हो या दास हो, तो तुम्हारी तो इतनी हैसियत है नहीं कि ये चांदी कमा सको। इस चांदी का मालिक कौन है? तो उसको वहां लिखवाना पड़ता था कि इस चांदी का मालिक कौन है। एक बार चांदी का मालिक कौन है ये सर्राफ ने लिख लिया, तो वो चांदी हर हालत में उसके मालिक को ही वापस जाएगी। अच्छा, उस जमाने में जब कोई भी स्वामी यात्रा पर जाता था, तो वापस आने की गारंटी नहीं होती थी। यात्रा में कई बार, आज के समान नहीं है, उन दिनों सुरक्षा ज्यादा नहीं थी, मालिक जाते में मर खप गया, तो चांदी का टुकड़ा यदि गाड़ के रखा हो तो दास का हो जाएगा, क्योंकि मालिक ने कोई लिखा पढ़ी तो की नहीं थी चांदी देने से पहले। वो कह सकता था नहीं, मुझे तो नहीं दी, वो चांदी उसकी हो जाती। लेकिन यदि मालिक मर खप गया, तो सर्राफ के पास चूंकि लिखा हुआ है कि ये चांदी उसकी है, तो उसके बाल बच्चों को वो मिलता। तो इस नौकर ने ना केवल लापरवाह था, वो ना केवल काम चोर था, वो चोर भी था। इसलिए उसने ले जाकर वो सर्राफों को नहीं दिया। वो बेवकूफ नहीं था, उसने चांदी को गाड़ कर रखा, उसका मतलब ही ये है कि वो बुद्धिमान था, नहीं तो ले जाके वो अपने कोठरी में रख लेता, अलमारी के कोने में भी रख सकता था, पेटी में भी रख सकता था। गाड़ की क्यों रखा? उसकी सुरक्षा के लिए, दूसरों की नज़र में ना आए इसके लिए। और एक 5-6 साल के बाद मालिक मरखप गए, तो तब तक घर में भी किसी को पता नहीं होगा कि मेरे पास चांदी है, तो उसको मैं बाद में निकालूंगा तो मेरी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। ये है उसका सोचना। प्रभु यीशु ने ये जो उदाहरण दिया था, ये प्रभु का वो जो समय है उस हिसाब से हम सोचें। हम में से भी हर व्यक्ति के जीवन में इस बात की संभावना है, हम ऐसे ही सोचें।
मैं काहे को ये सब करूं, प्रचार से मुझे कुछ मिलता नहीं है, गाने से मुझे कुछ मिलता नहीं है, और सत्संग में आया हॉल सब गंदा पड़ा है, मैं साफ करूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। कोई यहाँ मेरी ना तो मुझे उसके लिए कुछ पैसे देगा, ना ही मेरी शाबाशी करेगा, तो खामोखा मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ये है प्रभु के कहने का मतलब। हम में से हर व्यक्ति को प्रभु ने वरदान दिया है, हम में से हर व्यक्ति से प्रभु ने कहा है कि वरदान का उपयोग करो। हम में से हर व्यक्ति उस वरदान का या तो स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकता है या प्रभु के लिए। प्रभु का कहना है उसका उपयोग स्वार्थ के लिए ना करना, उसका उपयोग मेरे लिए करना, मेरी महिमा के लिए करना। उस घटना में हम दो बातें और देखते हैं। अभी वो प्रभु ने जो कहा था वो घटना समाप्त नहीं हुई। प्रभु ने कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो कहा उसके द्वारा मैं तुमको दोषी ठहराता हूँ, ले जाओ और इसको जेल में डाल दो। याद रखें, आत्मिक जीवन में प्रभु ने हमको जो दिया है उसका सही विनियोग करने के बदले हम यदि दुर्विनियोग करें, हम उसका स्वार्थ के साथ विनियोग करें, कल को हिसाब देना पड़ेगा, कल को उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। आज जरा अपने आप को देखें, प्रभु ने मुझे क्या बनाया, क्या योग्यता दी, क्या आत्मिक वरदान दिया, क्या मैं उसका उपयोग सही कर रहा हूँ या नहीं। दूसरी बात, प्रभु ने एक बात और वहाँ कही, वो जो उसके पास चांदी है उसे लेकर उस व्यक्ति को दे दो जिसके पास, जिसने 10 और कमाए हैं। आसपास खड़े हुए नौकर भौंचक्के रह गए। वो बोले कि प्रभु, चांदी के एक टुकड़ा बहुत बड़ी बात है, उसके पास 10, आपने उसको 10 सौंपे, उसने 10 और कमाए, और ये जो एक है ये भी आप उसको दे रहे हैं क्या? प्रभु ने कहा, हाँ मैं उसको दे रहा हूं। क्यों? अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, ये एक आत्मिक नियम है। नियम यह है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। कभी अनुभव हुआ होगा, हफ्ते भर बुखार के साथ जब बिस्तर पर लेट लेते हैं और बुखार के बाद जब अपन उठ खड़े होते हैं, सारा बदन टूटता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। डॉक्टर कहता है कि देखो, इन सब के बावजूद खड़े हो जाओ, चलो फिरो, पानी पियो, खाना खाओ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लेट ही रहते हैं। रिजल्ट क्या होता है, जिस आदमी को 2 दिन में अपने पैर पे खड़े होना चाहिए था वो 2 हफ्ते के बाद भी लेटा हुआ है, और जिससे कहा कि खड़े हो जाओ वो खड़ा हो जाता है, 2 दिन में वो अपने पैर पे आ जाता है और अपना सारा काम करने लगता है। ऐसा होता है। मुझे आज से 3 साल पहले मेरे डॉक्टर ने बताया था, मुझे भयंकर दर्द था दोनों हाथ, ये इन दोनों जंक्शंस में। मेरी स्थिति थी कि मैं हाथ इस तरह से उठा, इतना नहीं उठा पाता था। फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, उन्होंने कहा कि देखिए सर, मोटी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास 50 लोग इस तरह की परेशानी लेकर आते हैं और 50ों को मैं एक ही उपदेश देता हूँ कि रोज खूब हाथ जो है उठाओ, हिलाओ और धीरे धीरे हाथ यहाँ तक लाने की कोशिश करो। 50 में से, उन्होंने कहा 50 में से कम 40 ऐसे हैं जो ये सोचते हैं पहले दर्द चला जाए और फिर मैं हाथ उठाने लगूं। और उसने कहा, सर यकीन मानिए कि वो दर्द कभी नहीं जाएगा। उसने कहा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दर्द पहले चला जाए फिर मैं हाथ ऐसे करूंगा, सोचते हैं उनकी स्थिति अब ये हो गई है कि वो सिर्फ हाथ ऐसा कर पाते हैं यूं। लेकिन जिनको ये बताया जाता है कि हाथ उठाओ, चलाओ, सक्रिय रहो, उनका हाथ दर्द चला जाता है, धीरे धीरे उनका हाथ फ्री हो जाता है और वो अपने हाथों का उपयोग करने लगते हैं।
मेरे जीवन में ये इस मामले में सबसे बड़ा गुरु मंत्र था, क्योंकि मुझसे हाथ ऐसे नहीं उठाया जाता था। फिजियोथेरेपी भी ली, डॉक्टर ने जो कहा उस हिसाब से एक्सरसाइज भी किया। आप देख रहे हैं मैं बड़े आराम से अपने हाथों का उपयोग कर रहा हूँ। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, नहीं नहीं पहले दर्द चला जाए फिर हम हाथ चलाएंगे। अरे पहले हाथ चलाओ तब तो दर्द जाएगा। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छिन जाएगा। मतलब अभी तो हाथ यहाँ इतना आप उठा सकते थे, लेकिन आप सोच रहे हैं दर्द चला जाए उसके बाद मैं उठाऊं, तो ऐसे ही बैठे हैं, तो यहाँ तक आज उठा सकते थे, कल ये स्थिति हो गई कि आप यूं हाथ चला रहे हैं। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छिना लिया जाएगा, और जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। आत्मिक जीवन के बारे में यही प्रिंसिपल है, यही नियम है। यदि आप स्वास्थ्य के ना होते हुए, नौकरी के ना होते हुए, धन के ना होते हुए, सुविधाओं के ना होते हुए भी प्रभु के प्रति तन मन धन से, प्रभु ने आपको जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी के प्रति समर्पित हैं, तो आपके साथी संगी जो आपसे 10 गुना ज़्यादा योग्य हैं उनसे 100 गुना ज़्यादा कार्य कर सकेंगे। क्यों कर सकेंगे? जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छिना लिया जाएगा। मेरे लिए 2-4 लोग हैं जिनकी कहानी मैं हर जगह बार बार सुनाया करता हूँ। अंग्रेजी में जो गाने हैं जो यहाँ गाए जाते हैं, ये गाने जिन्होंने रचना की थी उसमें से एक रचयिता फैनी क्रॉसबी, 3 साल की उम्र में आंखों में कोई इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर ने दवा के नाम पे जहर डाल दिया, पूरी रोशनी चली गई। उससे किसी ने पूछा कि तेरे आंखों की रोशनी होती तो तू तो बहुत कुछ कर सकती थी। उसने कहा नहीं, प्रभु ने मेरे इस धरती की रोशनी छीन ली जिससे कि मैं आत्मिक रोशनी का दर्शन कर सकूं। उसने 10,000 गानों की रचना की थी अंग्रेजी में, 10,000 गानों की रचना। मुझे और आपको प्रभु ने जो दिया है उसको समझें, कम से कम एक आत्मिक वरदान दिया है उसको समझें, ये ठान लें कि मैं उसका उपयोग नियमित रूप से करूंगा। मैं कल को जब प्रभु पूछेंगे तब मैं प्रभु से कह सकूंगा, प्रभु आपने मुझे 10 दिया, प्रभु ये 10 और मैंने कमाए हैं। मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं प्रभु को दोष नहीं दूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रभु थोड़ा सा और हेल्थ दे दे तो मैं कुछ कर लेता, थोड़ी सी और पढ़ाई दे देते प्रभु तो मैं कुछ कर लेता, प्रभु आपने मुझे अच्छी नौकरी दी होती तो मैं कर देता। नहीं, आपके जीवन में जो है वो प्रभु ने अच्छी तरह से जानकर रखा है। आपके जीवन में जो सीमाएं हैं वो भी प्रभु ने ही बांधी हैं। जिस तरह से उस बहन ने कहा था, मेरे आंखों की रोशनी छीन ली जिससे कि मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएं, उसने इस बात को पहचाना कि उसके जीवन में अंधेपन के द्वारा प्रभु ने जो सीमा बांधी थी उसके पीछे भी प्रभु का उद्देश्य था, ये समझकर उसने कार्य किया। आज शाम को जो भाई बहन प्रभु की वाणी सुन रहे हैं उनमें से हर व्यक्ति को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, हम में से हर व्यक्ति जीवन में किसी ना किसी एक या अधिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। पढ़ाई की समस्या, नौकरी की समस्या, बच्चों के कारण परेशानी, पति के कारण, पत्नी के कारण, समाज की परेशानी, अन्य प्रकार की परेशानी, नौकरी की परेशानी, इनकम की परेशानी, परेशानियां 50 लोग यदि हों तो 500 परेशानियां होती हैं। इस बात को ठान लें कि यह सब प्रभु ने जानकर दिया है, और इस कारण हे पिता मैं कभी भी अपनी घटियों के बारे में रोऊंगा नहीं, बल्कि आपने जो दिया है उस पूंजी का उपयोग विश्वास योग्यता से करूंगा। यह ठान कर इस हॉल से आज जाने के लिए प्रभु सबकी मदद करे।
लेकिन क्लोजिंग में मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु ने हम में से हर एक को आत्मिक वरदान दिया है, ये बात मैंने कही, लेकिन ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आत्मिक वरदान सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है। आप पूछेंगे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने का क्या मतलब, मैं सारांश में बताता हूँ, बाद में उसको विस्तार से जानने के लिए मेरे पास आइए, मैं समझाऊँगा। देखिए प्रभु का वचन ये कहता है, आज से हजारों साल पहले प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की, लेकिन जानबूझकर पाप करके मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। मनुष्य जब परमेश्वर से या प्रभु से अलग हो गया तो मृत्यु की ओर दौड़ने लगा, पाप की सजा है मृत्यु। लेकिन मनुष्य को उस पाप से बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए, उन्होंने मेरे आपके लिए सूली पर अपना जीवन बलिदान के रूप में दिया। जब इस बात को हम पहचान लेते हैं, प्रभु के पास जाके कहते हैं, प्रभु मैं दो बातें पहचान गया हूँ, मैं पापी हूँ, मेरी सजा है मौत, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु मैं इस बात को पहचान गया हूँ, मुझे मुक्ति देने के लिए आप इस संसार में आए और उसके लिए सब कुछ आपने किया। जब ये दोनों बातें आप मान लेते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं आपको आज मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ, उसी क्षण प्रभु आपको मुक्ति, शाश्वत जीवन, नया जीवन प्रदान करेंगे। आज इस सत्संग में जितने लोग बैठे हैं, इनमें से कई लोगों ने इस नए जीवन का अनुभव किया है। इस नए जीवन के साथ साथ प्रभु और बहुत सारी बातें देते हैं, जिनमें से एक है ये आत्मिक वरदान। इस नए जीवन के बारे में जरा सोच लीजिए, निश्चय कर लीजिए। यदि आपको निश्चय नहीं है तो आके मुझसे मिल लीजिए। मान लीजिए यहाँ मिलके बात करने में परेशानी है तो हमारे उत्साही भाई जेफरी को जरा बता दें, जैसे ही उनको समय मिलेगा वो घर पे आके मुझे पकड़ लेंगे, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे, जिससे कि आप प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर सकें।